राम रखी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजधानी के फतेह अली तालाब आनंद नगर स्थित रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। महापौर संयुक्ता भाटिया और समाज सेविका नम्रता पाठक कैंप में पहुंची और वैक्सीनेशन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए मेयर ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन पूरे समाज के हितों की रक्षा करते हैं। विधि एवं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी कैंप में स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता का उत्साहवर्धन करने पहुंची। भूमि राय कक्कड़ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे समाज उपयोगी कार्य बताया। आज यहां फतेली तालाब आनंद नगर में रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो किस तरीके का ये आयोजन है और क्यों यहां पर जरूरत पड़ी? जी, मैं भूमि राय कक्कड़ रामरखी चैरिटेबल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी हूं और रामरखी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जे आर उपाध्याय जी, जो इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है रामरखी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, कि जो उन्होंने अपने स्कूल को दिया है इस कैंप के वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा जो वैक्सीनेशन कैंप जागरूकता अभियान चल रहे हैं, उसमें एक रामरखी ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट का एक छोटा सा योगदान है, जिसमें मेन तौर पे ये समझाया जा रहा है लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा के कोरोना मुक्त शहर और देश बनाया जाए, जिससे काफ़ी लोगों को जो जिन्होंने कोरोना में बहुत लोगों को खोया है, बहुत चीज़ें खोई हैं आर्थिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, आगे चल के भविष्य में ऐसी दिक्कतों का सामना और ना करना पड़े, उसके लिए रामरखी चैरिटेबल ट्रस्ट का एक छोटा सा प्रयास है वैक्सीनेशन कैंप के द्वारा। मैम, आज यहाँ फतेली तालाब पर रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीन का कैंप लगाया गया है, आप वैक्सीन लगा रही है सबको, वैक्सीन को लेके अभी भी हमारे देश में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में एक भ्रांति है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप लगातार ये काम कर रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय बोल दूँ। मेरा नाम मैं जनवरी से लेके अब तक कंटिन्यू ये कोविड वैक्सीनेशन कर रही हूँ, अब तक किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है मेरे द्वारा लगाए गए लोगों को, किसी ने कोई भी मतलब वो नहीं किया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, बस हल्का सा फीवर हो सकता है किसी को 1% लोगों को, ये लोगों में सिर्फ अफवाह है कि साइड इफेक्ट होता है, बीमार हो जाएंगे, बुखार आ जाता है, पता नहीं क्या क्या अफवाहें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, जब से हम लोग कर रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं हुई। लखनऊ वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लखनऊ वालों को मैसेज ये देना चाहिए सभी लोगों को कि सब लोग आकर वैक्सीन लगवाएं, इस बीमारी को दूर भगाएं, क्योंकि जब किसी का पब्लिक का हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको आकर वैक्सीन लगवाना चाहिए, जो लगवा के जाते हैं उनको दूसरों को भी बताना चाहिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बहुत अच्छी वैक्सीन है, हमें सब लोगों को लगवाना चाहिए। यहाँ फतेली तालाब पर रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल में आज ये वैक्सीनेशन कैंप लगा है, आपने वैक्सीन लगवाई अभी? कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सही है, सही महसूस कर रहे हैं, औरों को भी बताएंगे, घर परिवार में और लोगों को भी लगवाएंगे? लगवाएंगे। चैनल देशप्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।